बस्तर में जगदलपुर रेंज केंद्रीय पुलिस बल कार्यालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 82वीं वर्षगांठ मनाई। इस मौके पर जगदलपुर के लालबाग मैदान में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन हुआ और शहीद हुए जवान के परिवार को सम्मानित किया गया। सीआरपीएफ की 62वीं वर्षगांठ के मौके पर हथियार, ड्रिल और विशेष उपकरणों के प्रदर्शन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बस्तर डीआईजी सुंदर राज पी, पुलिस अधीक्षक दीपक झा के साथ कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर फरस गांव के शहीद शिवलाल नेताम के परिजनों का सम्मान किया गया। वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा राष्ट्र सेवा के लिए दिए गए बलिदान एवं कार्यों के संबंध में वृत्त चित्र का प्रदर्शन किया गया, जिसमें कई ऐतिहासिक युद्ध और उनकी विजय गाथा दिखाई गई। बड़ी संख्या में आए आमजनों ने कार्यक्रम की सराहना की और वीर जवानों को नमन किया। सीआरपीएफ के 82वां स्थापना दिवस 18 मार्च को मनाया जाएगा दिल्ली में, हमारे फोर्स हेडक्वार्टर में। उसी के पूर्व इवेंट हर क्षेत्र में, हर राज्य में मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज जगदलपुर बस्तर में हम लोगों ने 6 मार्च को एक मास पीटी, वेपन हैंडलिंग और कल्चरल प्रोग्राम, छोटा सा एक कार्यक्रम अपने सीआरपीएफ को और जनता को आपस में सामंजस्य बैठाने, आपस में एक दूसरे से मिलने, एक दूसरे को समझने हेतु आज ये ऑर्गेनाइज किया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।